हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ या हानि। ठीक है, ये जो हमारा लाभ हानि का, हालांकि मैं पहले भी कुछ वीडियोस में करा चुका हूँ प्रश्नों को, परंतु मैं ये इस जो लाभ हानि की शुरुआत करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, ताकि जो बिल्कुल नए हैं, एकदम रिफ्रेशर हैं, जो अभी अभी शुरू किए हों, या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। इसीलिए मैं एकदम से इस लाभ हानि को बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। तो वीडियो नंबर वन जो है बिल्कुल बेसिक टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लाभ हानि को सॉल्व करने का एक नया मेथड आपको बताऊँगा, जो कि बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसका भी यूज़ करूँगा, परंतु उसके साथ साथ ही एक न्यू मेथड बताऊँगा, जिससे किसी भी तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की ओर, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, परंतु उसको सॉल्व करने का एक न्यू तरीके को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं कन्वेंशनल मेथड का भी यूज़ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो उसका जो नया अगर मेथड भी बताऊंगा तो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले बेसिक थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को कह लेते हैं हम लाभ या हानि, या लाभ और हानि कह लीजिए, जो भी, ठीक है। देखिए लाभ हानि में सबसे पहले चीज होता है, कई यहां पे टर्म्स कुछ होते हैं, जैसे कुछ होता है अंकित मूल्य, ठीक है। यहां पे मैं उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, अंकित मूल्य नहीं लिखूंगा। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस, क्या कहते हैं मार्क प्राइस, इसलिए मैं उसको एमपी लिख दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, इस प्रोडक्ट में जो कुछ भी उस पर प्राइस लिखा होता है, ठीक है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं, कई बार से इसी को टैग प्राइस भी कह देते हैं। तो अंकित मूल्य को मैं शॉर्ट में एमपी लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद जितने में उस वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसको मैं शॉर्ट में सीपी लिखूंगा, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या लिखूंगा, सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य को मैं लिखूंगा सीपी। और जितने में उस वस्तु को बेचा जाता है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं एसपी। एसपी सीपी एमपी लिखना आसान होता है जल्दी जल्दी, इसीलिए मैं उसको यूज करता हूं, बाकी आप जो अच्छे से लिख पाते होंगे अगर लिखिएगा, ठीक है। अब ये सब तो मेन टर्म्स हो गया। लाभ, लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, तो उसके लिए मैं पी लिखूंगा। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस, तो उसको मैं एल लिखूंगा, क्लियर। इतना तो ये बेसिक टर्म्स था जिसका हम यूज करेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं कि लाभ हानि कब होता है। देखिए जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो जितने में खरीदा जाता है उसको तो हम क्रय मूल्य कहते हैं, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो हम उसको विक्रय मूल्य एसपी कहते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम प्रॉफिट का कंडीशन हम लगाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। अच्छा, एक साइड मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, दूसरे साइड मैं लॉस लिख लेता हूँ, तो दोनों को हम कंपेयर करके देख लेंगे। देखिए जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य में मतलब खरीदते हैं, और जितना में हम खरीदते हैं उससे अधिक में अगर हम बेचते हैं तब वहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, इसमें कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ कि जितना में अगर हम वस्तु को खरीदे हैं और इस खरीदे हुए मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो, तो यहाँ पे समझ रहे होंगे कि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है। मतलब कम में हम वस्तु को खरीदे और अधिक में अगर हम बेच दे रहे हैं तब हमको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी वस्तु को हम खरीदते हैं लेकिन किसी कारणवश उसको बेचना कम में पड़ता है, ठीक है, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य हो जाता है वो अधिक हो जाता है और विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी बड़ा है और एसपी विक्रय मूल्य जो है छोटा हो गया। तो जब हम किसी वस्तु को अधिक में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो इस केस में हमको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, इतना चीज क्लियर होना चाहिए। अब देखिए लॉस और प्रॉफिट जो हम निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा कि जब भी लाभ या हानि
या प्रॉफिट या लॉस हम निकालते हैं तो हमेशा वो क्रयमूल्य पर निकाला जाता है। हम क्रयमूल्य से ही तो तुलना करते हैं ना भाई, कि कितना क्रयमूल्य से कितना अधिक में हम बेचे, क्रयमूल्य से कितना कम में बेचे, उसी के अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड करेंगे कि लाभ या हुआ या हानि। ठीक है, मतलब जब भी लाभ होगा हानि होगा ये सब को किसके ऊपर निकाला जाएगा, क्रयमूल्य के बेसिस पर ही निकाला जाएगा, क्योंकि क्रयमूल्य से ही कितना अधिक में बेच रहे हो कितना कम में बेच रहे हो उसी से लाभ हानि का डिसीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या कि जब हमारा क्रयमूल्य छोटा हो विक्रयमूल्य बड़ा हो तब होता है क्या प्रॉफिट, जब क्रयमूल्य बड़ा हो और विक्रयमूल्य छोटा हो जाए तब हमारा क्या हो जाता है लॉस होता है। ठीक है, अब कितने रुपए का लॉस होगा हम कैसे निकालेंगे, तो जब हमारा लाभ होगा देखिए जो बड़ा होगा उसमें से घटाइएगा, यहाँ पे बड़ा क्या है एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है तो हम बड़ा में से छोटा को घटा दिए, तो एसपी में से अगर सीपी को विक्रयमूल्य में क्रयमूल्य को घटा दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्रयमूल्य बड़ा है और विक्रयमूल्य छोटा है तो यहाँ पे क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर आप घटा देंगे तो आपको लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ था, क्वेश्चंस भी आगे मैं कराऊंगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे ठीक है हमने अभी तक प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे हमने देख लिया। ठीक है, अब आएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ, मतलब कहने का कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालो या जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो, तब इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया कि लाभ हानि को हमेशा क्रयमूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, क्रयमूल्य के ही बेसिस पर निकाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु को बेचने में प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले ऊपर में अंश में या न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिखिए, उस वस्तु को खरीदे कितने में थे क्रयमूल्य लिखना है, तो नीचे हमारा हो जाएगा क्रयमूल्य, मतलब प्रॉफिट बटा क्रयमूल्य और इनटू 100 अगर आप कर दोगे तो हमको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जा रहा है, क्रयमूल्य के पर निकाला जा रहा है, तो नीचे क्रयमूल्य होता है प्रॉफिट परसेंट में, ऊपर प्रॉफिट होता है और इनटू 100। ठीक है, अगर ये वाला 100 वाले पार्ट को हटा दोगे तो प्रॉफिट और सीपी का जो भिन्न होता है उसमें मतलब कह लो कि प्रॉफिट और क्रयमूल्य, ठीक है मतलब लाभ और क्रयमूल्य का जो अनुपात होता है उसमें अगर आप 100 का गुणा कर दोगे तो आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। इसी तरह जो हानि प्रतिशत होता है ऊपर में होगा हानि और नीचे में हो जाएगा क्रयमूल्य इंटू 100, मतलब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों जो है क्रयमूल्य के ऊपर निकाल रहे हैं, क्रयमूल्य हमेशा नीचे देखने को मिलेगा। लॉस प्रतिशत में अगर लॉस मतलब हानि और क्रयमूल्य इन दोनों का जो भिन्न होगा जो अनुपात होगा उन दोनों उनमें अगर 100 का हम गुणा कर देंगे अनुपात में तो हमको लॉस का परसेंट या हानि प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, इन सब का आगे हम शॉर्टकट जो मैं बताने वाला हूँ उसमें यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं ये सबको बेसिक चीज़ को बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको आगे क्या सीखना है कि अगर हमको प्रॉफिट दिया हो और किसी वस्तु का क्रयमूल्य दे दे तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी बेसिक चीज चल रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्रयमूल्य इनटू 100 प्लस माइनस आर बटा 100। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो ये काम आएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य या क्रयमूल्य कुछ भी यहां से निकाला जा सकता है। देखिए मैंने क्या बताया कि चाहे विक्रय मूल्य हो हानि हो लाभ हो किसी भी चीज को हमको क्रयमूल्य पर ही निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे बाहर में हो गया विक्रय मूल्य बराबर ये क्रयमूल्य का 100 प्लस माइनस आर बटा 100। प्लस माइनस आर का मतलब क्या हुआ कि अगर लाभ होगा अगर प्रॉफिट होगा तो वहां पे प्लस आर लेना है हमको, और अगर हानि हुआ तब हमको वहां पे माइनस आर लेना है। ठीक है, जितना भी प्रतिशत अगर मान लो 10% लाभ है तो प्लस का 10%, 10% अगर हानि है तो माइनस का 10%, माइनस का 10 हमको ये लिखना है, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला था हमारा, इस चीज को याद रखना, हालांकि इस फॉर्मूले का बहुत कम हम यूज करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज था। तो अगर यहाँ पे मान लो क्रयमूल्य दिया हो
लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। या फिर अगर हमको मान लो विक्रय मूल्य दिया हो और यहाँ से हमको लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो तब यहाँ से हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों दिया हो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तब हम यहाँ पे आर भी निकाल सकते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में तीन वेरिएबल है, इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो जो तीसरा अननोन है उसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं का यूज कर सकते हैं। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, अगर इसको समझ जाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब वो देखिएगा। देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिएगा। जैसे अगर मैं बोला कि किसी वस्तु को मैं 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु को मैं 1000 रुपये में खरीदा, अब उस पर 10% लाभ कमा के मेरे को बेचना है। क्या बोल रहा हूँ, किसी वस्तु को 1000 में खरीदा और उसको 10% लाभ पर बेचना है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य था। तो जब मैं विक्रय मूल्य अगर पूछ दूंगा 10% लाभ पर, तो मैं इतना सारा चीज लिखने नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इस 1000 का कितना परसेंट लाभ था, 10%, तो 100 + 10 = 110% डायरेक्ट करके इसको सॉल्व कर दूंगा तो हमको यहाँ पे 1100 मिल जाएगा। क्लियर इतना। तो अगर लाभ प्रतिशत बोलेगा तो 100 में डायरेक्ट बढ़ा देना है और जो यहाँ पे क्रय मूल्य होगा उसके बेसिस पर निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब 100% से जितना अधिक या कम में बेचोगे उसी के ऊपर लाभ या हानि के ऊपर विक्रय मूल्य डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 1000 अपने आप में 100% था, उसको 10% लाभ पर बेचे तो ये 1000 का 110% हमने निकाल दिए। अगर मान लो कोई वस्तु 1000 का है और उसको मान लो 20% हानि पे बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 का 80% डायरेक्ट निकाल देंगे, 100 में हम 20 घटा देंगे क्योंकि हानि की बात कर रहा हूँ। तो ये सब इसी फॉर्मूले से आया है, बस लिखने का शॉर्टकट तरीका है। तो जब लाभ होगा तो +10 करके हम क्रय मूल्य के साथ निकाल देंगे, हानि होगा तो माइनस करके निकाल देंगे। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज के लिए यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक चीज था। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें कन्वेंशनल का भी आपको थोड़ा यूज करके बताऊंगा शुरुआत है तो, और मेन हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है आज के वीडियो में, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस मैं क्योंकि बेसिक से आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बनाने का अलग होगा। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें और इस नए तरीके को आप नोट डाउन करके रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक, एक घड़ी का कीमत 1500 रुपये है। ठीक है, कीमत कितना है, 1500 रुपये। राहुल ने इसे 1750 रुपये में सुरेश को बेच दिया, राहुल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे लाभ हानि प्रतिशत मैंने अभी बताया था, तो देखिए घड़ी का कीमत कितना है, ये 1500 रुपये, मतलब जो दुकानदार है उसके लिए ये हमारा क्रय मूल्य हो गया कि वो दुकानदार 1500 रुपये में खरीदा होगा। फिर राहुल, मतलब राहुल उसको 1500 रुपये में खरीदा था, अब राहुल क्या करता है, सुरेश को इसको 1750 रुपये में बेचता है, तो ये सुरेश के लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया, लेकिन राहुल के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 1750, क्योंकि राहुल का ही प्रतिशत लाभ पूछा है ना भाई। तो राहुल क्या किया है, खरीदा है 1500 में और बेच रहा है कितने में, 1750 में। तो देखिए यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो बनाने में इसको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो राहुल खरीदा है उसको 1500 में, तो मैं 1500 रुपये लिख देता हूँ, बेचा कितने में राहुल, 1750 रुपये में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहचानिए कि कौन बड़ा है। देखिए क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य छोटा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमेशा क्या होता है, वहाँ पे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है भाई, तो 1750 में आप 1500 घटा दीजिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि 250 रुपये का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, तो अगर कितने का लाभ पूछता तो हम 250 रुपये बताते, लेकिन हमसे पूछा है क्या, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंट। तो अभी मैं बताया था कि कैसे निकालना है, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट को लिख देना है ऊपर,
क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, याद रखिएगा। तो 250 गलती से यहाँ पे 1750 नीचे मत लिखिएगा। खरीदा कितने में था राहु? 1500 में, इसीलिए हमको 1500 को नीचे रखना है, ठीक है। तो ये 250 का लाभ, 1500 ये उसका क्रय मूल्य और इनटू में 100। इसको अब सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। तो ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 3 15 और ये 50 5 250, 50/3% इसको अगर भाग देंगे 50 को 3 से तो 16/2/3% हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक तो है नहीं, ये तो हमको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लगाना ही होगा कि कितने परसेंट लाग। आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा कि नया मेथड क्या सीखना है। ये बेसिक चीज़ था कि एसपी में से सीपी को घटाइए, फिर बट्टा में सीपी, जो फॉर्मूला उस पर रख दीजिए, हमारा बन जाएगा। तो ये लाभ प्रतिशत का। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आगे हानि प्रतिशत के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि एक स्कूटर को 25,000 रुपये में खरीद कर, मतलब खरीदा गया है 25,000 में, तो ये सीपी कितना हो गया? 25,000। उसको बाद में 21,000 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो एसपी हो गया 21,000 में, बेचने पर एक व्यापारी को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है? तो हानि या लाभ आपसे पूछा है। तो देखिए, सीपी खरीदा है 25,000 में और बेच रहा है 21,000 में, मतलब जो खरीदा है वो ज़्यादा है और जितना में बेच रहा है वो कम है। तो इस केस में तो हमेशा लॉस ही होता है भाई, ठीक है। तो लॉस परसेंट आपसे पूछा है, तो कितने का लॉस हो रहा है? तो 25,000 में 21,000 घटाइए तो 4,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। खरीदा कितने में था? 25,000 में, तो नीचे लिख दो 25,000 और इंटू 100, ठीक है। याद देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लॉस परसेंट हो या फिर प्रॉफिट परसेंट, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, काट दिए, 2 से 2 जीरो कट गया, फिर 1 से 1 जीरो कट गया, सॉरी यहाँ पे 1,000 कर दिया, क्या 100 ही था, ठीक है। ये 100 होगा, तो ये 2 से 2 जीरो यहाँ से कटा और ये 1 जीरो यहाँ पे, 25 से ये 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। मतलब 16% का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था पहला। और दूसरा क्वेश्चन किसमें लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर लॉस पूछ देता बस कि कितने रुपए का हानि हुआ है, तो हम क्या करते, 25,000 में 21,000 घटाते तो 4,000 रुपया, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था। अब हम आगे तीसरा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम नए मेथड को सीखेंगे कि कैसे करना होता है, ठीक है। अब इस तीसरा प्रश्न को समझिएगा, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक हमारा कॉन्वेंशनल मेथड होगा और दूसरा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सब चीज़ को, डाटा को पकड़ना भी है कि क्या दिया है। एक फुटबॉल को 490 रुपये में खरीदा, मतलब 490 रुपये सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। 490 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है, या फिर सीपी कह लीजिए उसी को। 5% हानि में बेचा, सॉरी, हाँ 5% हानि में बेचा, मतलब लॉस परसेंट हमको दिया है, हानि का प्रतिशत दिया कितना? 5%। अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। सीपी दिया है और लॉस दिया है। अब मेन मेथड में क्या बताया था, इस फॉर्मूला को याद करिए, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटा 100, यही था। अब हालांकि इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, अगर आपको इतना ही डाउट हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही, तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन मैं अब डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हानि प्रतिशत बोला है और हमको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य एसपी छोड़ देंगे भाई। क्रय मूल्य कितना है? 490, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 490, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे हानि बोला है, तो हानि बोला है तो माइनस आर लेना है, तो 100 में इसको घटा दीजिए, तो 100 में 5% को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 95%, ठीक है। इसीलिए मैं वहाँ पे बोल रहा था कि डायरेक्ट 100 में घटा बढ़ा के कर दिया जाए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 20 5 100 और ये 19 5 95। देखिए यहाँ पे 1 से 1 जीरो कट गया, अब बच यहाँ पे 49 और 19 और ये नीचे में बटा 2, ठीक है। 49 और 19 का अगर आप गुना करेंगे तो मिलेगा 931 और ये बटा में 2। 931 को अगर 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 465.50 रुपये। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक मेन मेथड होता है, लेकिन अब शॉर्टकट मेथड का हम यूज़ पूरी तरीके से परसेंटेज के ऊपर करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे,
ठीक है। और रेशियो मेथड के लिए पहले भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ, और रेशियो मेथड का मतलब क्या कि जो हमारा लाभ या हानि का जो परसेंटेज दिया होगा उसका यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो देखिए हमको यहाँ पे लॉस का मतलब हानि का परसेंट कितना दिया है, 5%। अब इसी परसेंट को आपको भिन्न में बदल देना है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% मतलब परसेंट का मतलब होता है 1/100, मतलब जब इस परसेंट को साइन को हटाते हैं तो नीचे में आ जाता है 100। अब इसको आप काटेंगे तो 1 और ये हो गया 20, 1/20, ठीक है। अब याद करिए जो मैं शुरुआत में जब आपको बेसिक फॉर्मूला वगैरह सिखा रहा था वहां पे लॉस परसेंट को हमने भिन्न में बदल दिया 1/20। लॉस परसेंट हम कैसे निकालते थे, नीचे में हम लिखते थे क्रैमुल सीपी और ऊपर में लिखते थे लॉस, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करना है, हमको सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। कैसे देखिएगा, सीपी और यहां पे लिखते हैं एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। तो यहां पे जो भिन्न मिला उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, चाहे लाभ प्रतिशत से हम बनाए हो या फिर हानि प्रतिशत से, नीचे वाला जो होगा वो हमेशा सीपी का यूनिट होगा। तो यहां नीचे 20 आया है तो सीपी के नीचे आप लिख दीजिए 20, क्लियर है इतना। अब देखिए पीछे मैंने ये भी बताया था कि अगर एसपी निकालना हो हमको, क्या बोल रहा हूं कि अगर हमको एसपी निकालना हो हानि के केस में, तो हम सीपी में से जो लॉस है उसको घटा देंगे तो हमारा एसपी मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए, पीछे जाके आप देख लीजिएगा जो स्क्रीनशॉट आप लिए थे, ठीक है। तो ये 20 हमारा क्या है, ऐसे भी सोचिए ना, अगर हम 20 रुपए में किसी चीज को खरीदे हैं और 1 रुपए का हानि हो रहा है, क्योंकि लॉस परसेंट में ऊपर वाला क्या है, हमारा लॉस है, नीचे वाला क्या है, ये क्रय मूल्य है, सीपी है। तो ये 20 तो हमने सीपी लिख दिया और ऊपर वाला लॉस है। 20 रुपए में हम सीपी में खरीदे हैं और 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हम बेच कितने में रहे होंगे, 20 में से 1 घटाइए 19 में बेच रहे होंगे, ठीक है। 20 में खरीदे 19 में बेचेंगे तभी तो 1 का लॉस होगा ना। बस यहाँ पे सीपी और एसपी का हमारा जो रेशियो है निकल आया। अब देखिए ये 490 क्या था, खरीदा था ना, सीपी था ना, तो ये जो 20 इकाई है, ये 20 इकाई हमारा एक्चुअल रुपए में कितना दिया है, 490 रुपए। क्या दिया है, 490 रुपए दिया है। अब बताइए 20 इकाई का वैल्यू कितना है, 490, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, इस 490 को 20 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 490 को 20 से भाग दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, 49/2। 1 इकाई का मतलब हो गया 49/2। हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है 19, मतलब इसमें भी हमको 49/2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर इसका जब गुणा करेंगे तो आपको इन दोनों का गुणा हो जाएगा 931/2, और इसको भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 465.50 रुपए। देखिए क्योंकि अभी मैं सिखा रहा हूँ इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है इसको, जब इसको सीख लेंगे तो एकदम चुटकी में बनता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अगर आपसे पूछ देता कि बताइए कि हानि कितने रुपए का हुआ है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, हानि कितने रुपए का हुआ है, तो देखिए 20 में खरीदे 19 में बेचे, 1 का यहाँ पे हानि हुआ है, इस 1 का मान कितना होगा भाई, जो ये देखिए 49/2 का गुणा कर रहे हो ना, तो इस 1 में भी 49/2 का गुणा कर दो, जो मिलेगा काट पीट के वही यहाँ पे लॉस भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पे लॉस पूछा नहीं है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो हमने निकाल दिया। तो इन दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लग रहा है उसे आप बोलेंगे कि ये वाला ही अच्छा लग रहा है, लेफ्ट वाला क्यों, क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस हो गया है तो ये वाला बहुत इजी लगता है, तुरंत बनता है। मुझे तो अभी समझाना है ना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी सेकंडों में बनता है, क्लियर इतना। चलिए चौथा प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा हानि वाला, अब लाभ वाला एक केस देख लेते हैं। बस यहाँ पे आपको समझना है कि सीपी और एसपी कैसे निकालना है। सीपी नीचे वाला हो क्या, अगर लॉस परसेंट दिया है तो सीपी में ऊपर वाले को घटा देंगे तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एसपी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक साइकिल को 940 रुपए में खरीद कर, मतलब सीपी दिया 940, 10% लाभ पर, ये प्रॉफिट परसेंट दे दिया हमको, लाभ पर बेच दिया जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। मेन मेथड से आप फिर से वैसे ही कर लेंगे, विक्रय मूल्य तो एसपी बराबर क्रय मूल्य कितना था 940, कितना परसेंट का लाभ, 10% लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 110/100 खत्म। ये इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, 94 और 11 का गुणा कर देंगे आप तो मिल जाएगा 1034 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड्स देखिए, हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना,
10%, ठीक है। तो 10% का मतलब 10/100, मतलब 1/10 मिलेगा, मतलब प्रॉफिट जो है हमको रेशियो कितना मिला, 1/10। प्रॉफिट परसेंट में ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सीपी, मतलब ये 10 हो गया सीपी, ये ऊपर वाला हो गया प्रॉफिट। अब हमको रेशियो बनाना है सीपी और एसपी का, तो सीपी तो हो गया 10। अब आप ही बताइए कि 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हो, 1 रुपया लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे, 10 + 1 = 11 में बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। बस यहाँ से वही, जब हानि था तो ये नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना था, तब जाके एसपी आ रहा था। जब लाभ है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के हमारा एसपी मिल जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 10 और 11 का। देखिए ये हमको दिया हुआ है कितना, 940 रुपये, क्वेश्चन में दिया है। देखिए कितना गुना है, 940 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 94, ठीक है। अब हमको विक्रय मूल्य चाहिए, तो इसमें भी 94 का गुणा कर दीजिए, 94 और 11 का गुणा कर देंगे तो 1034 रुपये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगर पूछता कि लाभ कितने रुपए का हुआ, तो देखिए यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, तो इस 1 में हमको किसका गुणा करना होगा, 94 में, जो यहाँ पे 1 इकाई का वैल्यू मिल गया उसी को हम सबको गुणा करते चलना है। तो 1 में 94 का गुणा करेंगे तो 94 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो हमसे विक्रयमूल पूछा था, तो विक्रयमूल हो गया 1034, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोनों मेथड ही आसान है, लेकिन आगे का क्वेश्चन जब करेंगे तो ये वाला जो है वो हार्ड पड़ेगा, ये वाला इजी पड़ेगा। तो देखिए हालांकि दोनों ही मेथड का आपको जब जैसा यूज पड़े, जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो बस दो तरीका बता रहा हूँ, आपको अपनाना है कि किस मेथड से बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न तक हमने देखा कि विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, अब यहां से हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य अगर दे दिया हो तब क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचा, ठीक है, 1470 रुपये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है, तो ये एसपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो उसे 16 सहित 2/3% लाभ कमाता है, ठीक है। लाभ उसको, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 16 सहित 2/3%, इतने का लाभ कमाता है। एसपी दिया है विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत दिया है क्रय मूल्य, सीपी आपसे पूछ लिया है कि भाई सीपी क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन में हम एसपी निकाल रहे थे, इस बार सीपी निकाल रहे हैं। तो अगर कन्वेंशनल मेथड में जाना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, एसपी के साथ यूज करना है, लेकिन एसपी इस बार दिया है, ठीक है, तो एसपी को हम इधर लेफ्ट में लिख देंगे 1470। सीपी इस बार निकालना है तो सीपी को यहीं पे छोड़ दो। लाभ प्रतिशत इस बार दिया है कितना, 16 सहित 2/3, तो 100 में 16 सहित 2/3, 16 सहित 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 × 3 = 48 और 2 = 50, 50/3%, ठीक है, 50/3। तो 100 में हमको 50/3% जोड़ना है, तो जोड़ते हैं भाई, तो 100 + 50/3, और नीचे में भी होता है 100, इसको सॉल्व करिए भाई, तो ये हो गया 1470 बराबर सीपी इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 + 50, 350, और ये 3 जो यहाँ पे भाग में आता डिनोमिनेटर में हर में, वो 3 यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा बट्टा में 300, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 1 से 10 कट गया, 5 6 = 30, 5 7 = 35, इस 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 14 ये 210 पर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी हो जाएगा 210 × 6, ये हो जाएगा 1260 रुपया। तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य कितना मिल गया, 1260, ऑप्शन नंबर ए। रेशियो मेथड से देखिए कितना आसानी से बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमको कितना दिया है, 50/3%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, मतलब 50/3 और 100 का गुणा कर देंगे नीचे तो 300 हो जाएगा, ये 1/6 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे भिन्न कितना मिला, प्रॉफिट वाला भिन्न कितना मिल गया भाई, 1/6। प्रॉफिट परसेंट कैसे आता था, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या, प्रॉफिट। अब फिर से हमको सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है, ठीक है, तो सीपी और ये एसपी, ठीक है। सीपी कितना है देखिए, नीचे क्या है, 6। एसपी कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि हम सीपी में क्रय मूल्य में 1 का लाभ हो रहा है, उसको जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य मिलेगा ना लाभ के केस में, तो 6 और ये 6 और 1 = 7, ये हो गया विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1470, मतलब ये 7 नहीं कितना है, 1470 है। कितना, 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 1470 को 7 से भाग दे दिए तो मिलेगा क्या, 210, ठीक है, 210। 1 इकाई का वैल्यू कितना है, 210, क्रैमुल पूछा है ना भाई, तो ये 6 इकाई कितना होगा, तो इसमें भी 210 का गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 1260 रुपये, ये हो गया हमारा क्रैमुल, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
अगर आपसे पूछ देता कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक का ही लाभ हो रहा है ना, 6 से 7, तो इसमें भी हम 210 का गुणा कर देते तो हमको लाभ कितने का हो जाएगा, 210 रुपए का। तो हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्रय मूल्य निकालना लाभ के केस में, अगर लाभ प्रतिशत दिया हो। अब हम छठवां प्रश्न देखेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे लेकिन हानि प्रतिशत, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न, चलिए अब छठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु को 770 रुपए में बेचा जाता है, मतलब एसपी हो गया 770, तो उसे 12.5% की हानि होती है, मतलब लॉस परसेंट कितना, 12.5% का। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी हमको निकालने को बोला है कि कितना होगा। मेन मेथड चलेंगे तो एसपी बराबर, मतलब 770 बराबर सीपी इंटू 100 प्लस 12.5। देखिए जो लॉस परसेंट दिया है कितना, 12.5%, 12.5% का मतलब कितना, 12 × 24 और 1 25, 25/2%, 100 में जोड़िए 25/2%, तो 100 प्लस, सॉरी हानि है ना इस बार भाई, याद रखिएगा क्या है, इस बार हानि है, तो हानि में इस बार घटाना पड़ेगा ना, तो 100 - 25/2 और नीचे में 100, 770 बराबर सीपी इंटू, इसको सॉल्व करिए, 2 में 100 का गुणा 200, 200 में 125 घटाएंगे तो 175 बट्टा, नीचे में 2 आता, 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, 25 × 8 = 200, 25 × 7 = 175, ये 7 से काट दीजिए 770 को तो मिलेगा 110, 13 गुणा करेंगे तो सीपी हो जाएगा 110 × 8, मतलब 880 रुपया, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 880 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। रेशियो मेथड से करने के लिए ये जो 25/2%, इसको भिन्न में बदल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 नीचे है, 100 और आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, 25 × 25, 25 × 8 = 200, मतलब 1/8 हमको मिला, ठीक है। ये हानि प्रतिशत है भाई, याद रखिएगा, हानि प्रतिशत में नीचे जो 8 आया ये तो सीपी है ही, लेकिन ऊपर में जो 1 आया वो क्या है, हानि है, लॉस है। बस यहाँ पे अब हम रेशियो निकालेंगे सीपी और एसपी का, ठीक है। तो सीपी कितना है, देखिए 8, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 8। अब हानि के केस में मैं क्या बताया था कि जो नीचे सीपी है उसमें से हानि को घटाना पड़ता है, 8 रुपये में कोई चीज़ को खरीदे हो और 1 रुपये का हानि हुआ है तो बेच कितने में रहे हो, 8 में से घटाइए 7, तो ये 7 बेचने का सेलिंग प्राइस हो गया, कि 7 ना देके हमको कितना दे दिया है, 770 रुपये, 7 इकाई का वैल्यू 770 रुपये है, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 770 को 7 से भाग दे दीजिए, 110 रुपये। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें भी 110 का हम गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 880 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगर हानि प्रतिशत पूछता तो 8 को 7 में बेच रहे हैं तो 1 इकाई का हानि हुआ, तो इसमें भी 110 का गुणा कर देते तो 110 रुपया हमको मिल जाता हानि की, 110 रुपये का हानि। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हो गया 880 रुपया। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में 6 प्रश्नों को देखा, जो कि बेसिक चीज़ था, इसको हम नए तरीके से सॉल्व करने का भी हमने देखा। तो ये दोनों तरीका में से आपको जो अच्छा लगता है उसको अपनाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बेसिक चीज, आगे जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा उसमें हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉफिट लॉस वाला जो वीडियो सीरीज़ में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि हो सकता है एक नया तरीका मिल गया हो आपको सॉल्व करने का। चलो बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।